तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ही कमाल की एक चीज के बारे में बता रहा हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया था अभी 2 दिन पहले कि सैमसंग A52s में एक नया अपडेट आया था जनवरी 2024 का, तो आज मैं उसके अंदर आपको रिव्यू करके बताने वाला हूँ एक्चुअल उस अपडेट के बाद क्या आपके मोबाइल में चेंजेस करने को मिले, क्या उसकी परफॉर्मेंस है, क्या उसकी बैटरी परफॉर्मेंस है और एक्चुअल में वो कैसे वर्किंग कर रहा है, सब चीज मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा देना ताकि ऐसी नई अपडेट यार सबसे पहले आपको मिले और हो सके मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक फॉलो कर लेना। चलते हैं दोस्तों आगे। मेरा नाम सनी यार और आपका स्वागत है मेरे चैनल एसआई टेक में। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया, मैं आपको बता रहा हूँ नए सॉफ्टवेयर अपडेट के रिव्यू करके। तो यहाँ पर मैं आ गया हूँ, पहले तो यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ सॉफ्टवेयर अपडेट में और लास्ट अपडेट में आप देख सकते हैं कि मैंने इसको 19 तारीख को इसको अपडेट किया था, लगभग 8 बजे मैंने अपडेट किया था। मतलब मुझे हो चुके हैं 3 से 4 दिन हो चुके हैं इस अपडेट को, जिसमें मुझे सिक्योरिटी वर्जन 1 जनवरी 2024 का मिला था। अब बात करें ओवरऑल परफॉर्मेंस की, तो परफॉर्मेंस में मुझे भाई बहुत कमी लगी। कभी कभार तो फ़ोन आता है तो वो हैंगिंग हो जाता है, कॉल आने के बाद स्क्रीन हैंग हो जाती है और चलने में आप देखेंगे तो थोड़ी सी यहाँ पर आपको स्मूथनेस की कमी लगेगी। जैसे कि कोई भी ऐप को मैं ओपन करूँगा उसके यहाँ पर एनिमेशन देखेंगे तो आपको यहाँ पर अंतर दिख रहा होगा कि कितना ज़्यादा यहाँ पर अंतर हो रहा है, बहुत ज़्यादा स्लो यहाँ पर चल रहा है। और बात करें इसकी बैटरी परफॉर्मेंस की, उसमें भी बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। आप यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर मैं कितनी भी ऐप्स को यहाँ पर खोल रहा हूँ और अगर फोटोज़ खोली और अगर मैं इसको ऊपर की तरफ रोटेट कर रहा हूँ तो उसकी जो फोटोज़ की ओपन करने का टाइम है ना, बहुत ज़्यादा टाइम हो रहा है। पहले इतना टाइम नहीं लेता, चाहे आप सैमसंग की खुद की ऐप में भी चले जाएंगे ना तो भी वो इतना ही टाइम ले रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर, आप उसकी परफॉर्मेंस में आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको खुद ही कमी लग रही होगी, चाहे यहाँ पर हो चाहे अगर आप कॉन्टेक्ट्स में भी होंगे ना तो भी आपको यहाँ पर सेम ही सिचुएशन मिल रही है। आप देख सकते हैं सेम यहाँ पर सिचुएशन आपको मिल रही है। पहले से तो मतलब बोल सकते हैं कि थोड़ा 19-20 है, पर प्रॉब्लम तो है। अगर आप खुद देखेंगे इसको यूज़ करने के बाद तो आपको खुद ही पता चलेगा यार कुछ तो प्रॉब्लम है। अगर मान लो मैं इकट्ठी यहाँ पर जैसे 4-5 ऐप्स को खोल लूँ और उसके बाद उसकी परफॉर्मेंस देखूंगा तो आपको खुद यहाँ पर समझ में आ जाएगा कि कुछ तो दिक्कत है या मैंने इतनी सारी यहाँ पर ऐप्स खोल ली हैं, ठीक है, बहुत सारी ऐप्स खोल ली हैं और अब मैं इसकी परफॉर्मेंस आप देखेंगे तो आपको दिख जाएगा कितना ज़्यादा यहाँ पर लैगिंग का इश्यूज चल रहा है, लैग हो रहा है मोबाइल अगर आप कॉल लगाते हैं तो, और अगर आपने एक बार मोबाइल को रीस्टार्ट कर दिया तो आपको और ज़्यादा यहाँ पर प्रॉब्लम आ सकती है। अब बात करें बैटरी परफॉर्मेंस की, तो मेरे को लगभग 2 से 2 दिन हो जाते हैं मुझे मोबाइल चार्ज करने, मतलब 1 दिन में 2 बार चार्ज करना पड़ता है अपडेट के बाद से, तो और ज़्यादा। अगर मैं आपको वहाँ पर ले जाऊँ बैटरी में तो यहाँ पर आप देखेंगे लास्ट फुल चार्ज करा था 22 घंटे पहले, बट उसके बाद भी मैंने 2 बार चार्ज पे लगा दिया। आपको यहाँ दिख रहा होगा चार्जिंग का टाइम जो ग्रीन ग्रीन दिख रहा है ना, कि इस टाइम पे मैंने इसको चार्ज पे लगाया। पहले लगाया था मैंने यहाँ पर, लगाया था मैंने 12 PM से पहले, फिर लगाया 12 PM के बाद और अभी यहाँ पर चल रहा है 57% हुई है। आप देख सकते हैं बैटरी यूजेस ज़्यादा नहीं था और यूजेस देखेंगे मेरे तो नॉर्मल मैंने यहाँ पर यूजेस किया है, पर फिर भी बैटरी यहाँ पर ज़्यादा जा रही है। कोई मैंने कैमरा यूज़ नहीं करा, कोई मैंने वीडियो एडिटिंग नहीं करी, कोई मैंने इंस्टाग्राम फेसबुक कुछ भी यूज़ नहीं करा, उसके बाद भी यहाँ पर बैटरी की इशू चल रहा है। बैटरी यहाँ पर ड्रेनिंग का आपको दिख रहा होगा, बैटरी ड्रेन यहाँ पर हो रही है। उसके अलावा ऐसा परफॉर्मेंस कह सकते हैं कि चलने में ऐसा कोई दिक्कत नहीं आ रही कि और कोई प्रॉब्लम आ रही हो, बट थोड़ी बहुत ये जो कमियाँ थी जो कि मैंने आपको बता दी। ओवरऑल इस सिक्योरिटी के अपडेट से आपको कुछ बग्स फिक्स भी किए जाते हैं, तो छोटे मोटे जो भी बग्स थे वो फिक्स हो गए। कोई मुझे बग्स नज़र नहीं आया, मेन चीज़ मुझे कोई बग नहीं नज़र आया या फिर कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं नज़र आई इस अपडेट के बाद। थोड़ी बहुत स्लो है वो मान सकते हैं, बैटरी इशू है, बाकी कोई ऐसा बग नहीं है कि मतलब कि आपके साथ कुछ आप करना चाह रहे हैं तो वो कर नहीं पा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी चलने में स्मूथनेस थोड़ी बहुत कम है, बाकी चल रही है। मेरे हिसाब से तो करना चाहिए, अपडेट करते रहना चाहिए, इससे सिक्योरिटी में आपका इनहांस रहता है, कोई भी सिक्योरिटी से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो उम्मीद है कि दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो थैंक यू सो मच। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक जरूर करें, और आपको लगता है कुछ कमी है मेरी वीडियो में तो मैं डिसलाइक कर सकते हैं, या फिर अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस रिलेटेड या कुछ भी, आप डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम फेसबुक पर DM करके भी पूछ सकते हैं। सबसे जरूरी चीज, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दो ताकि ऐसी नई अपडेट यार सबसे पहले आपको मिले और हो सके तो मुझे व्हाट्सएप पर भी फॉलो कर लेना। तो थैंक यू।